लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत मीरगंज पंचायत के ग्राम झनरवा में चन की बीमारी से हुई 3 बच्चियों की मौत। बताया जाता है कि 4 नवंबर 2022 को वर्षा कुमारी पिता सज्जन कुमार उम्र 4 वर्ष बच्ची की मां टूनी देवी ने बताया कि रात में बुखार लगा, सुबह में नवादा ले गई और रात 11 बजे बच्ची की मौत हो गई। उसी दिन उसी घर में दूसरी बच्ची नंदनी कुमारी उम्र 3.5 साल की मां चमेली देवी ने बताया कि सुबह में 8-9 बजे के लगभग बच्ची खेल रही थी बढ़िया, कि अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ी। नजदीक से डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया और सुबह 3:30 बजे में बच्ची की मौत हो गई। उसके बावजूद आज सुबह 8 नवंबर 2022 कृति कुमारी पिता राजेश भुइयां उम्र 4 वर्ष आंगनबाड़ी में पढ़ती थी, उसकी मौत 8 नवंबर 2022 को पुनः हो जाती है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है, जबकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा 5 नवंबर 2022 बच्ची की मौत की सूचना स्वास्थ्य विभाग के NM एवं BTT को दिया गया था। सूचना देने के बाद NM वहां पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल नहीं किया गया। अगर 5 नवंबर 2022 को कैंप लगाकर जांच पड़ताल किया जाता तो शायद कृति कुमारी की जान बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली कृति कुमारी मौत तो बताई कि वर्षा और नंदनी का नाम मोबाइल में ऐड करके रखे थे और कृति कुमारी का नाम रजिस्टर में अंकित था। वो ज्यादा ननिहाल में रहती थी, यहाँ पर 10 दिन से आई थी। क्या हुआ था आपकी बच्ची को? बुखार लगा था। बुखार लगने के बाद क्या हुआ? रात को 5 बजे उसको बुखार लगा। अच्छा। उसके बाद हम सवेरे में उसे सुइया दिलाए। अच्छा। और फिर डॉक्टर कहा कि गोविंदपुर ले जाए, यहाँ से नहीं होगा। हाँ। गोविंदपुर जाने जी के यहाँ ले गए। अच्छा। वहाँ कहा कि बुखार नहीं है, उससे कम गया बुखार। हाँ। तो इसको चमकी बीमारी है, नवादा ले जाओ। अच्छा। नवादा ले गए, वहाँ पानी सलाइन हुआ। अच्छा। उसके बाद दवा सुइया दिया, 11 बजे रात में देखते। कितना तारीख को? 4 तारीख। मतलब क्या बीमारी हुआ से आपको नहीं पता चला? बुखार लगा, हम उतने में दौड़ने लगे कि उसको बुखार है तो हम यहाँ वहाँ ले जाएंगे तो बेस हो जाएगा। मतलब बुखार लगा था तो आप गोविंदपुर ले गए थे? हाँ, गोविंदपुर ले गए थे। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ था आपकी बच्ची को? बच्ची को बुखार लगा, उसके बाद उल्टी किया है, उल्टी करने के बाद मुँह से फेन आने लगा। अच्छा। उसके बाद हम लगे गोविंदपुर ले गए थे यादव जी के पास। यादव अच्छा। जी कहा दिया कि इसका बुखार उखार तो नहीं है, दवा उवा दिया। उसके बाद कहा ले जाओ इसको अथी नवादा। हम नवादा ले गए, नवादा में 7 तारीख के रात में डेट कर दिए। 7 तारीख के रात में 2:30 बजे डेट कर दिए। तो मतलब जानकारी, यहाँ किसी को मतलब बीमारी का नहीं पता चला कि कौन बीमारी फैला हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजन कुमार। क्या हुआ था आपकी बच्ची को? मेरा बच्ची को रात में बुखार लगा था, सुबह तक। क्या उसका नाम क्या था? बरसात तेरी मम्मी है, ये है बोलने की है, उससे बोलवाइए। इधर इधर। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ था आपकी बच्ची को? हमारा बच्ची 8-9 बजे ठीक है था, जैसे 12 बजते जाते बुखार लगा। मतलब 10 से 11 बजे रात होते होते बुखार लग गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने गोली दिए थे, कल के डॉक्टर साहब को गोली देते हैं तो बुखार कमेगा। अच्छा। तो हम सुइया देंगे तो बुखार ये कमेगा नहीं। थी कहाँ ले गए थे उसको इलाज करवाने? हम इलाज किए यही, मतलब लोकल डॉक्टर से इलाज करवाए थे। हाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद मतलब उल्टी आर हुआ क्या? हाँ, उल्टी भी हुई। मतलब क्या बीमारी हुआ था किसी को जानकारी आप लोग को? नहीं पता चला ना। उल्टी हर बच्चा को उल्टी हुआ। चलिए ठीक है। जिस दिन घटना हुआ था तो आप किसी को यहाँ नजदीक में किसी को जानकारी दिए थे? जिस दिन घटना हुआ था उस दिन तो दोनों बच्चा यही था, बड़ा हुआ मृत्यु वाला बच्चा, और उस समय सहिया यहाँ थी मौजूद। तो कहती कि किसी कोई लक्षण आर होगा तो आप हमको सूचित कीजिएगा, हम ले जाएंगे स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल ले जाएंगे। अच्छा। तब ना हम लोग अथी हो जाते हैं, तब ले जाते हैं उनको, कहते कि हाँ जी। मतलब उनका क्या नाम था? यहाँ तो यही प्रतिमा जी, यहाँ अथी है सेविका,
अच्छा, और वही जयमाला जी है अथी सही है, तो लोग दोनों थे यहाँ पर, यहाँ दोनों मौजूद देख ले, दुनिया भर आदमी यहाँ मौजूद है, नाला लगल है लगा, लेकिन आज की पता क्या नाम है? मेरा नाम जयमाला जी। ये बताइए अभी ये जो तो यहाँ पर ये नहीं आ रही है, 4 तारीख को घटना हुआ था, ठीक है, तो उस समय दो बच्चा वहाँ पर देख दिया था, तो उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे, तो मतलब घटना का जानकारी जैसे बच्चा जो देख किया था, तो आप जानकारी किसी को दिए थे? किसको दिए थे? एनम और बीटीटी को, तो क्या जैसे इस मामला को क्या वो संज्ञान में नहीं लिए आए थे क्या? बोले थे कि से उसको लिख लीजिए, ऐसे नवजात बच्चा तो है नहीं कि उसको देखा जाएगा, आप नेक्स्ट रजिस्टर में लिख लीजिए, तो लिख लिया। मतलब आपको बोले कि अपना जो माथी में रजिस्टर में चढ़ा लीजिए, उसके बाद जो ऐसे हम लोग आएंगे, पूछताछ किए थे कैसे मेरा तो बताए थे, वो आए थे इस जगह पर आकर के जांच किए थे क्या? आए थे एनएमडी आए थे आकर के जांच किए थे, कितना तारीख? 4 तारीख चलिए ठीक है, तो कुछ जानकारी नहीं मिला था कि मतलब कौन सा बीमारी? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम सिंह है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर मतलब क्या मतलब किस विषय पर यहाँ पर जांच अभियान आई चलाया जा रहा है? जैसे स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिला है कि इस तरीके से यहाँ पर बीमारी या जो बच्चों का डेथ हुआ है, तो उसके बारे में जैसे हमारी टीम गाँव से डॉक्टर सत्यनारायण साहब मुआइशी सर हैं, और हम लोग टीम के साथ में यहाँ आए हैं, यहाँ आसपास में लोगों को सर्वे किए हैं, क्या दिक्कत है लोगों से बात की है, उसके बाद में यहाँ पे हम एक जांच जो हेल्थ कैंप का आयोजन किए हैं, जहाँ बहुत से लोगों की कम से कम 60 लोगों का मलेरिया जांच किया है, और टाइफाइड के लिए लोगों को जिनको दिक्कत लगा है उनको CSC के लिए बुलाया है, बाकी लोगों को दवाई वितरित की है। तो इस जगह पर आपको मतलब क्या जांच किया है, कौन सा बीमारी हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ मिला हो? यहाँ पे जैसे आसपास में देखे हैं तो पानी बहुत इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी है, तो मच्छर पनप रहे हैं बहुत ज्यादा लोगों को, मच्छर के जब बचाव के लिए हम लोग बताए हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मोबाइल में ले रहे हैं, साथ में जो हमारे पास यहाँ पे मलेरिया का जांच कर रहे हैं। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे, पूछ रहे हैं जैसे आप यहाँ पर आए जांच किए हैं तो ज्यादा कौन सा बीमारी का, अगर कुछ मरीज मिला होगा तो किस बीमारी का मिला? अभी जांच में ऐसा कोई नहीं आया मलेरिया में, लेकिन लगता है कि डेंगू का ज्यादा प्रकोप है। डेंगू का ज्यादा प्रकोप। सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।